नमस्कार वृश्चिक राशि वालों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। वृश्चिक राशि वालों, मिठाई बांटने के लिए तैयार रहना, अगले 24 घंटे के अंदर तीन बड़ी खुशखबरी मिलेगी। जी हां वृश्चिक राशि वालों, अगले 24 घंटे के अंदर यह तीन बड़ी खुशखबरी आपके पूरे परिवार को खुश कर देगी। अब आप सिंहासन पर बैठने की तैयारी कर लो, क्योंकि अब आपकी किस्मत तरक्की के घोड़े पर सवार हो चुकी है और तरक्की के राह पर निकल चुकी है। कानों में सुना यकीन नहीं होगा। जी हाँ, मुझे पता है कि आप बिल्कुल भी यकीन नहीं करोगे, परंतु वीडियो देखने के बाद आप भी कहने लगोगे कि गुरुजी आप सही बोले। इसलिए जितना जल्दी हो सके आज की वीडियो को पूरा देख लो, क्योंकि जीवन में जो होना था वो हो गया। अब आप अपने आंसू को पोंछ लो और खुश हो जाओ। जी हाँ दोस्तों, अब आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपसे बस इतना ही अनुरोध करूँगा कि वीडियो को अंत तक देखना और सभी बातों को कान लगाकर ध्यान से सुनिएगा। परंतु उससे पहले जो भी भगवान सूर्य देव जी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करने के साथ साथ नीचे कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः का नारा सच्चे हृदय से लगाएगा, भगवान सूर्यदेव जी अगले 24 घंटे के अंदर देंगे बड़ी खुशखबरी, जिससे आप मालामाल हो जाओगे और आपकी तकदीर चमक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपकी जिंदगी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर महाशक्तिशाली भगवान बजरंगबली जी के आशीर्वाद से मिलेगी तीन बड़ी भयंकर खुशखबरी। जी हाँ, आने वाले अगले 24 घंटे का समय कोई मामूली समय नहीं है। आप इस समय को पूरा जीवन भर भूला नहीं पाओगे, क्योंकि अगले 24 घंटे के अंदर कई ऐसे महासंयोग आपकी कुंडली में बनने जा रही है, जिससे आपकी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन कुछ कांटे अपने जिंदगी से हटाने होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताएंगे ग्रह गोचर के आधार पर। बेटा, आज की इस ज्योतिष कार्यक्रम में जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, इसे आप मजाक समझने की भूल मत करना, वरना तुम जिंदगी भर पछताते रह जाओगे और दर दर की ठोकरें खाते रह जाओगे। जी हाँ, इसलिए दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में दर दर की ठोकर नहीं खाना चाहते हैं तो मेरी बातों को मानिए और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। वीडियो को अंत तक देखने के बाद अगर आपकी जिंदगी जीने का नजरिया ना बदल जाए तब कहना। आज की संपूर्ण वीडियो ग्रह गोचर एवं आपके चंद्र राशि पर आधारित है। दोस्तों, अगले 24 घंटे का महा राशि फल बताने जा रहे हैं। अगले 24 घंटे आपका व्यापार, नौकरी, लव लाइफ, पारिवारिक जीवन, सेहत व स्टूडेंट लाइफ के लिए समय कैसा रहेगा, इसकी संपूर्ण और सटीक जानकारी आज की वीडियो में हम प्रदान करने वाले हैं। हमारी आप सभी से निवेदन है, रिक्वेस्ट है, दोनों हाथ जोड़कर कि मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, जिससे आप सभी के जीवन काल में कई सारे महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, देवगुरु बृहस्पति मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में जाने वाले हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। बता दें, 12 साल बाद देवगुरु बृहस्पति अपना बड़ा राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। इस प्रकार इसका प्रभाव सिर्फ एक ही राशि पर नहीं, बल्कि थोड़ा थोड़ा सभी 12वीं राशियों पर असर पड़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 12 साल बाद देवगुरु बृहस्पति आपके कैरियर के स्थान में आकर विराजमान हो चुके हैं, जो कि ये आपको फल देने वाले हैं।
जी हाँ दोस्तों, बातों को जरा ध्यान से सुनिएगा। देवगुरु बृहस्पति का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है। जी हाँ, जातक का भाग्य बदलने का कार्य देवगुरु बृहस्पति ही करते हैं। दोस्तों, ये राशिफल आपके जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति आपके कैरियर के भाव में विराजमान हो चुके हैं। आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। सभी कार्यों में मनचाहा फल मिलेगा। नौकरी में सफलता मिलेगी, नौकरी में प्रमोशन होगा। और जो लोग अभी तक सिंगल हैं, उनकी शादी की बात चल सकती है, विवाह के योग्य बनेंगे। और जो जातक शादीशुदा हैं, शादीशुदा जातक हैं, उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी। घर परिवार में सुख शांति आएगी, सुधार होगा, घर परिवार का सहयोग मिलेगा। वैवाहिक जीवन में सुख शांति आएगी, घर की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। रुका हुआ फंसा हुआ धन मिलेगा, जीवन से जुड़ी तमाम प्रकार की परेशानियां दूर होगी। घर में शुभ व मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। वृश्चिक राशि वालों, सितारे कहते हैं कि इस समय आपके सामने नए अवसर प्रस्तुत होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप आज तक अपनी जिस प्रतिभा को केवल हॉबी मानते थे, उनसे अपनी और जीविका कमा सकते हैं। जीवन के हर एक क्षेत्र में नए बदलाव होंगे, नए परिवर्तन होंगे, जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप अपने जीवन में संतुष्ट अनुभव करेंगे। जी हाँ दोस्तों, सितारे कहते हैं कि इस समय आप एक साथ कई काम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसका आपके शरीर पर जो प्रभाव पड़ रहा है वो अब दिखाई देना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, आप अनिद्रा से पीड़ित हो सकते हैं। आपको यह समझना चाहिए कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नींद भी, संतुलित खाने और नियमित रूप से एक्सरसाइज जितनी ही ज़रूरी है, अगर आप अच्छी तरह आराम नहीं करेंगे तो आप पूरे दिन थकान और आलस अनुभव करेंगे। इसलिए दोस्तों, आपको चाहिए काम के साथ साथ आराम करना। जी हाँ, आज आप अपने माता पिता के साथ समय बिताना बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप हाल फिलहाल काफ़ी व्यस्त रहे हैं तो उन्हें फ़ोन करके या बिना बताए उनसे मिलने जाने के लिए बहुत अच्छा मौका है। इस समय आप उन्हें बड़ा सरप्राइज भी दे सकते हैं। इससे आपका तनाव काफ़ी कम होगा। अपने भाई बहनों या माता पिता से मिलने जाते हुए पार्टनर को भी साथ ले लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सबके साथ होने से आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर अकेले हैं तो आपके माता पिता आपको किसी खास से मिलवा सकते हैं। जी हाँ, वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, यह समय धन से संबंधित कुछ समस्याएं आ सकती है, लेकिन आपको चिंता नहीं करना है। जी हाँ, समस्या एक तरफ से आपके जीवन में आएगी तो दूसरी तरफ से निकलकर चली जाएगी। जी हाँ, आपको ये समझना होगा कि कौन सा खर्च ज़रूरी है और कौन सा खर्च गैर जरूरी है, अन्यथा आपको वित्तीय संकट से गुजरना पड़ सकता है। आपको बता दें, इस समय खर्चों की अधिकता रहेगी। आपको अपने एक बजट बनाकर चलना ही बेहतर रहेगा। अगर आप अपनी आय बढ़ाना चाहती हैं तो आपको कुछ नवीनतम प्रौद्योगिकी का समावेश करना होगा और वो आप पर निर्भर करेगा। आप उसका कितना फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि वो आपके मेहनत और इस प्रौद्योगिकी के आज के समय में महत्व पर भी निर्भर करेगा। सितारे कहते हैं कि आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और बहुत से लोग आपको अपनी दैनिक स्थिति से निकालने के लिए हाथ बढ़ाएंगे, लेकिन आप इस स्थिति में किसी और की गलती की वजह से फंसे हुए हैं। अब की बार ऐसे लोगों से सावधान रहें, सतर्क रहें, अन्यथा आप आगे चलकर बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं। आज आपको अपनी जिद का जश्न मनाना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि इस समय खुशी मनाने का बहुत ही अच्छा समय है। आप और आपके साथी के लिए आज जीत की स्थिति बनी हुई है। आपकी कामुक भावना
आप पर हावी है, जिसके कारण आप मजबूर हैं। इसी तरह की आग दूसरी तरफ भी विद्यमान है। सचेत रहें और पूछें, आप निराश नहीं लौटेंगे। सिर्फ एक छोटी सी कोमल और देखभाल वाले दृष्टिकोण की आवश्यकता है, और वैसे ही आप एक समझदार साथी हैं। आज आप अपने कार्य से संबंधित कारणों से अपने निवास स्थान में परिवर्तन की संभावना है। आपको पदोन्नति किया जा सकता है और एक अलग क्षेत्र के लिए स्थानांतरित किया जा सकता है, या आप कोई दूसरी नौकरी को ग्रहण कर सकती हैं। आप एक पेशेवर सलाहकार या अपने किसी करीबी से आज कैरियर से संबंधित सलाह ले सकती हैं। अगर आप इस समय सलाह पर पर्याप्त ध्यान देंगे तो आप काफ़ी लाभान्वित हो सकते हैं। इस समय आप लाभ के मुद्रा में रहेंगे। सितारे कहते हैं कि आपके जीवन में इस समय कोई बड़ी खुशखबरी आने की संभावना है। जी हाँ, या तो आपके जीवन में खूब सारा पैसा आएगा, या तो आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है जिससे आप पूरे दिन आनंदमय रहेंगे। देखिए दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर अंतरिक्ष के ग्रह गोचर और आपकी किस्मत कुछ ऐसे रंग रूप दिखाने वाले हैं जिससे कि आपको अनुभव होगा। मान लीजिए कि आपका किस्मत तरक्की के घोड़े पर सवार हो चुकी हो। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों कामयाबी ही कुछ ऐसे मिलने वाली है जिससे आपके आस पड़ोस में, गली मोहल्ले में जो लोग आपसे जलते थे, आपसे ईर्ष्या करते थे, वो लोग और जल जल कर खाक होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, जिंदगी जीने का असली मजा अब आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में ये मायने नहीं रखता है कि आपने अपनी जिंदगी को कितना जिया, बल्कि मायने यह रखता है कि आप अपने जीवन में कितना खुश रहे। क्योंकि दोस्तों ये 4 दिन की जिंदगी है। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि आपकी जिंदगी की गाड़ी गलत आदमी के हाथ में ना लग जाए। जी हाँ दोस्तों, गलत संगति से, गलत लोगों से दूर ही रहिएगा, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। देखिए दोस्तों, आप उनके साथ जरूर रहिए जिनका तबीयत खराब हो, लेकिन उनके साथ कभी मत रहिए जिनका नियत खराब हो, क्योंकि खराब तबीयत पुनः ठीक हो सकता है, लेकिन खराब नियत ना कभी ठीक होगा और ना दूसरों को ठीक रहने देगा। क्योंकि दोस्तों ऐसे लोग ना कभी अपने जीवन में आगे बढ़ पाते हैं और ना ही दूसरों को आगे बढ़ने देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि आप ऐसे संगति के माहौल में कभी मत रहिएगा। आने वाले अगले 24 घंटे का समय विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है। जिन विद्यार्थियों ने अपनी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। आप इस समय किसी प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं और आप जीत हासिल कर सकती हैं। लव लाइफ यानी कि प्रेमी जोड़ों के लिए समय बहुत अच्छा है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि व्यर्थ के प्रेम संबंधों में पड़कर अपने भविष्य के साथ, अपने कैरियर के साथ खिलवाड़ ना करें और ना ही कोई कंप्रोमाइज करें। जी हाँ दोस्तों, ये समय आपका है, आप इसे सोना बना लो या फिर सोने में गुजार लो, ये आप पर डिपेंड करता है। दोस्तों ग्रहों की यह बदलती चाल आपके लिए खुशियां लेकर आने वाला है, लेकिन दोस्तों यह समय आप अपने आप को विभिन्न दिशाओं में आकर्षित अनुभव कर रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये परेशानी आज और ज्यादा बढ़ने वाली है। जी हाँ दोस्तों, और आपके लिए फैसला लेना और भी मुश्किल हो जाएगा। आपको सावधानी से काम लेना होगा, क्योंकि दोस्तों आपके फैसले लेने की क्षमता भावनाओं और दूसरे कारणों से प्रभावित हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आज भाग्य लक्ष्मी और पोषण से संबंधित ग्रह आज आपकी राशि में चमक रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अपने प्यार को एक आरामदायक अनुभव से रूबरू कराएं, अपने प्यार को जो है महसूस कराएं कि वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रहों की स्थिति आपके प्यार के जीवन की रक्षा करेगा और ये समय प्रेम में डूबने का समय है।
जी हाँ दोस्तों, एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा केयर करें, एक दूसरे का ख्याल रखें, और ख़ास बात यह है कि एक दूसरे की भावनाओं को, इमोशन को समझने की कोशिश करें। ये आपके लिए बेहतर रहेगा। ये समय प्रेम में डूबने का समय है। आज आपको अपने साथी के साथ कुछ निजी और अंतरंग समय मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, जिस समय का आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे, वो समय आज आपको मिलने वाला है। सितारे कहते हैं आज आप एक चिंतनशील अवस्था में रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज आपके उस कामों में उत्कृष्ट प्राप्त होने की संभावना है जिससे गहरी सोच और चिंता शामिल हो। आज शिक्षक, प्रचारकों, वकील, विवादकर्ताओं और राजनेताओं अपने अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने की संभावना है। हालांकि कम ध्यान की वजह से आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ, थोड़ी बहुत समस्याएं आएंगी, लेकिन वो समय के साथ अपने आप दूर होती चली जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, और यह आपकी वित्तीय योजनाओं को प्रभावित कर सकता है। वही दोस्तों, आत्म अनुशासन के माध्यम से इसमें आप जो है सुधार कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आज ग्रहों की दशा आपको शांत तरीके से अपने बारे में सोचने का मौका देगी। जी हाँ दोस्तों, आपने पिछले समय में कई मौकों पर काफी कठोर ढंग से अपनी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन अब आप मानसिक रूप से काफी शांति स्थिति में सुलह करने और संबंध सुधारने के लिए बहुत अच्छा समय है। जी हाँ दोस्तों, इससे अच्छा समय आपके जीवन में दोबारा कभी नहीं आएगा और ना कभी आया होगा। जी हाँ दोस्तों, खुशी मनाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि खुद को भी और दूसरों को भी एक दूसरा मौका जरूर दें। जी हाँ दोस्तों, जीवन में अगर छोटी मोटी घटनाएं हो भी जाती है, छोटा मोटा दिक्कत हो भी जाती है, तो आपको नज़रअंदाज करना होगा और यह सोचना होगा कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है और सब कुछ भगवान के मर्जी से होता है। जी हाँ दोस्तों, ये समय अपने परिवार पर विशेष ध्यान देने के लिए उचित और उत्तम समय है। जी हाँ दोस्तों, बच्चों की गतिविधियों की वजह से आप पूरे दिन व्यस्त रहेंगे और अपने कामों में ही बिजी रहेंगे। आप ऐसे समारोह में भाग ले सकते हैं जिसमें आपका बच्चा गायन प्रतियोगिता या खेल में भाग ले रहा हो। जी हाँ दोस्तों, आप अपने माता पिता के घर पर जाने की तैयारी भी बना सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर वे दूर रहते हैं तो आपके नज़दीकी रिश्तेदार आपकी लघु लेकिन विचारशील प्रयासों की सराहना करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज आप अपनी नौकरी से संबंधित अच्छी खबर प्राप्त कर सकती हैं। यह एक पदोन्नति, वेतन वृद्धि या नई जिम्मेदारी या एक नया जो है इच्छित स्थान, एक अलग कंपनी से नौकरी या प्रस्ताव का परिवर्तन हो सकता है। आप कम समय में अपने आप को तैयार रखें। यह टेलीफोन या फिर संदेश के माध्यम से भी किया जा सकता है। इसलिए दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे तक आपको अपनी फोन कॉल को नजरअंदाज नहीं करनी है। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी सक्रिय रुचि के बारे में नए नियोक्ता का, सहकर्मी को अवगत कराइए। नई भूमि की मांग के अनुरूप मानसिक रूप से तैयार रहें। आज आपको बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। जी हाँ, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर अगर आपके घर में कोई मेहमान आता है या फिर भिखारी के रूप में कोई भिक्षा मांगने आपके घर आता है, तो भी यह माता रानी लक्ष्मी जी का शुभ संकेत है। आपको इतना जरूर ध्यान रखना है कि वो आपके घर से खाली लौटकर नाराज ना हो। देखिए दोस्तों, गीता में साफ शब्दों में लिखा गया है, धन को तीन प्रकार से उपयोग में लाया जाता है, पहला भोग, दूसरा दान और तीसरा नाश। धन को आप भोग कीजिए या दान कीजिए, अगर दोनों में से कुछ नहीं हो रहा है तो ऑटोमेटिक धन नाश होगा। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे तक ध्यान रहे, आप किसी को भी भला बुरा ना कहें, क्योंकि दोस्तों अगले 24 घंटे के अंदर ही आपके जीवन में एक ऐसी खुशखबरी दस्तक देने वाली है जिससे आप मालामाल होने वाले हैं। जी हाँ, यह सवाल इम्पॉर्टेंट है कि ये खुशखबरी आपको कहाँ पर मिलेगी।
ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल है, बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये खुशखबरी आपको किसी भी क्षेत्र में मिल सकता है। अगर आप नौकरी में कार्यरत हैं तो वहाँ पर भी मिल सकता है, और अगर आप रोजी रोजगार करती हैं या व्यापार व्यवसाय करती हैं तो उस फील्ड में भी आपको यह खुशखबरी मिल सकता है। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटे आपके लिए सोने पे सुहागा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों रियल एस्टेट से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा दिन है, आपके निवेश पर बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। किसी भी तरह के विवाद से बचें, आपका स्पष्टीकरण मुद्दों को जटिल ही करेगा। जी हाँ दोस्तों, आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, इससे आपको औरों के मुकाबले तरहीज मिलेगी। चाहे आप केवल साधारण रूप से गिटार ही सीखें, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने रूटीन को बदलने के बारे में सोच विचार कर सकती हैं, लेकिन अच्छी तरह से सोचे बिना इसे ना बदलें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में बदलाव करना चाहती हैं तो उसके बारे में पूरी तरह से सोच विचार कर लें, आपके लिए अच्छा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अच्छी तरह से सोचे बिना इसे ना बदलें। आप भविष्य के बारे में सोचे हुए अपने वर्तमान को भुला देती हैं, इससे बचें और अपनी वर्तमान जीवन शैली में फिलहाल कोई बदलाव न करें। जी हाँ दोस्तों, उसका मजा लें। अगर आप अकेले रह रहे हैं तो आपकी सेहत पूरी तरह से आपके हाथों में है। जी हाँ दोस्तों, निजी जीवन में पार्टनरशिप में काम करने की योग्यता आपको अपने प्रोफेशनल जीवन में भी बहुत काम आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप और आपके पार्टनर मिलजुल कर जो भी काम करेंगे, चाहे वो प्यार हो या फिर बिजनेस, आपको खूब सफलता मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आप दोनों को एक दूसरे की खूबियों और कमियों को बहुत अच्छी तरह से समझ है, और आपकी आपस में खूब बनती है। हमेशा ऐसे ही बने रहें और हमेशा खुशहाल रहने का प्रयास करें, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आपकी भावना अदम्य है, इसलिए आप अपनी क्षमता को दूसरों के आगे बढ़ने में समर्पित करें और चीजों को व्यवस्थित एवं संगठित करें। इससे आप अपनी कठोर मेहनत के बल पर समानता और प्रतिष्ठा अर्जित करेंगे। आपके व्यय में वृद्धि हो सकती है, इसलिए अपने खर्चे और व्यय को कम करने की कोशिश करें, ये आपके लिए जो है अच्छा रहेगा। क्योंकि दोस्तों माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके ऊपर पड़ रही है, तो चारों दिशाओं से आज आपके घर धन आने की संभावना है। रुका हुआ फंसा हुआ पैसा भी आपको इस समय मिल सकता है, बस थोड़ा सा प्रयास करने की जरूरत है। आज आप एडजस्ट करने के मूड में रहेंगी। जी हाँ दोस्तों, आपकी लोगों से मिलकर और बातचीत के नजरिए से किसी समझौते पर पहुंचने की कोशिश करें, इससे आपको बहुत अच्छे नतीजे मिलेंगे। आप तुरंत किसी भी समस्या का समाधान निकाल लेंगे, क्योंकि दोस्तों आपके अंदर बहुत ही जो है मेहनत है, बहुत ही विवेक है, दिमाग है। आप उन दिमागों से सभी समस्याओं का हल आसानी से निकाल लेंगे। आप इस बात का भी ध्यान रखती हैं कि किस तरह से आपके आसपास और खुद को भी खूबसूरत बनाकर रखा जाए और सारे कार्यक्रम तक योजना के अनुसार अच्छे से पूरा हो जाए। देखिए दोस्तों, खुश रहना अच्छे स्वास्थ्य का राज है, और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। आपके लिए यह जरूरी है कि आप खुश रहने और स्वस्थ रहने के बीच इस संबंध को, इसमें अगर आप ऐसा नहीं करती हैं तो मन से खुश न होने की स्थिति में जितनी ऊर्जा आप स्वस्थ रहने में लगाती हैं वो सब बेकार हो जाएगी। अगर आप अच्छा स्वास्थ्य पाना चाहते हैं तो आपको ठंडे दिमाग से सोचकर अपनी नाराजगी का कारण पता लगाना और दूसरे दूर करना आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आप किसी रोचक और खुश मिजाजिक आदमी से डेटा करना चाहती हैं तो आपको अपने रूटीन में बदलाव लाना पड़ेगा, नहीं तो आपका संबंध फिर से उसी नीरस स्तर पर पहुंच जाएगा और आपको अपनी लव लाइफ में बदलाव लाने के लिए खुद को अंदर से बदलना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ अपनी
ड्रेसिंग भी बदल लें तो आपको अंदाज भी नहीं है कि आप में कितना खुशनुमा बदलाव आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यह आपके लिए एक महान दिन है। सभी दिनों की तुलना में आज का दिन बेहतर रहने वाला है। आप दूसरों को अपने विचारों और असाधारणों को पेश करने के लिए आप इस अवसर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हो सकता है कि आपकी मासूमियत और ईमानदारी व्यंग और आक्रामकता के रूप में लोगों को लगे, क्योंकि दोस्तों लोग आपसे ज़्यादा परिचित नहीं हैं। इसलिए सावधान रहें, क्योंकि हो सकता है कि स्थितियां उस अनुपात में आपका साथ न दें जिस तरह से आप चाहते हैं। उस तरह से आपको आज साथ नहीं मिलेगा, इसलिए आपको थोड़ा सा सावधान और सतर्क रहना होगा। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे तक आपको अपने सेहत में थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि दोस्तों जान है तो जहान है। ये बात आप अपने दिल और दिमाग में ज़रूर याद रखिएगा।